दोस्तों अभी हम बात करेंगे गुजरात और दोस्तों हैदराबाद के बीच होने वाले आज के आईपीएल मैच की। अब इस वाले गेम के अंदर ना क्या रहेगी, स्मॉल लीग की टीम और ग्रैंड लीग की टीम, तो सारा कुछ इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना, तीन टीमें आपको इस वाले वीडियो में मिलने वाली, एक दोस्तों स्मॉल लीग की, दो टीमें ग्रैंड लीग की मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है? जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो फटाफट से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनल टीम मिलेगी जिस टीम के साथ हम खेलेंगे, ठीक है? तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, सबसे पहला लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, है ना? बाकी दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे गुजरात टाइटंस की साइड से, है ना? अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो रिद्धिमान साहा रहेंगे, जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे प्लस दोस्तों ओपनिंग भी करेंगे, किसके साथ, शुभमन गिल के साथ। केवल दो गेम्स खेले हुए हैं साहा ने, एक गेम में बढ़िया किया था। यहाँ पे दोस्तों कुछ खास नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहेगा क्योंकि सामने वाली टीम के पास दोस्तों निकोलस पुरन का ऑप्शन है, तो इस वजह से दोस्तों मैं अभी के लिए अवॉइड करूँगा साहा को, बिकॉज आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, है ना? जीएल में तो ज़रूर ट्राई करना रिद्धिमान साहा को। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल जो कि ओपनिंग करेंगे अपना रिद्धिमान साहा के साथ। ओवरऑल अगर स्टैट देखना चाहे ना तो दोस्तों केवल केवल एक ही गेम में चले थे, बाकी चार गेम्स में दोस्तों उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, बट फिर भी दोस्तों स्मॉल लीग के लिए एक बढ़िया चॉइस रहने वाली है, ठीक है? दो तीन मैचेस से ये चले ही नहीं है, प्लस दोस्तों सेफ ऑप्शन की कैटेगरी में आते हैं गिल, है ना? रिस्की ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या जो कि अपना वन डाउन पर बैटिंग कराएंगे, ठीक है? ये हमारे डिफ़ॉल्ट पिक के तौर पर रहेंगे, जितने भी मैचेस खेले हुए हैं पॉइंट्स कितने देखे जा रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी सी और वीसी के लिए इससे बड़ी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, है ना? तो हार्दिक पांड्या एक डिफ़ॉल्ट चॉइस रहेंगे हमारे लिए। बाकी यहाँ पे बात करें डेविड मिलर की, ठीक है? अब इनको आप मिडिल ऑर्डर के लिए ट्राई कर सकते हो दोस्तों, दो तीन गेम्स में आप तीन गेम्स में दोस्तों लास्ट के इनका प्रदर्शन देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया रहा है, तो इनको दोस्तों स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा जो है ऑप्शन राहुल तेवतिया का, ठीक है? इनका देखें ज़रा ओवरऑल दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन तो कुछ खास नहीं है दोस्तों, जीएल वगैरह में ही ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बात करें वहीं अगर इनकी बॉलिंग सेक्शन की, अब जिसमें कि दोस्तों राशिद खान जैसे बड़े बड़े बॉलर्स हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ से ना अब दोस्तों डिटेल्स में अगर बात करें ना तो लास्ट गेम के अंदर दोस्तों जोसेफ ने अंतिम ओवर किया हुआ था, ठीक है? वहीं पे डेथ में आपको खुद पता होगा दोस्तों जो बंदा डेथ में बॉलिंग करा रहा है ना विकेट्स वो लेके जाता है। सारे गेम के अंदर दोस्तों राशिद, मोहम्मद शमी, लौकिक फर्गूसन दोस्तों बेस्ट चॉइस रहने वाली है स्मॉल लीग के लिए, ठीक है? यश दयाल, अल्जारी जोसेफ, इनको आप मिनी जीएल की टीम में रख सकते हो, ठीक है? वहीं अगर बात करूं दोस्तों शमी ने लास्ट के गेम में ना दो विकेट निकाले हुए थे, ठीक है? इसके अलावा राशिद खान, इन्होंने भी दोस्तों दो विकेट निकाले थे, इकॉनमी बढ़िया थी इनकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फर्गूसन की तो इन्होंने भी दोस्तों एक आधा विकेट निकाला हुआ था। ओवरऑल अगर आप देखना चाहो तो लास्ट के गेम्स में एंड सेकंड लास्ट में गेम्स में बढ़िया रहा है शमी का, दोस्तों यहाँ से देख सकते हो राशिद खान, ठीक है? अब इसके अलावा दोस्तों बॉलिंग कहाँ कहाँ पे कराएंगे, तो मोहम्मद शमी दोस्तों आपको 17वें 18वें ओवर में बॉलिंग कराते नज़र आ जाएंगे, अगर तो बॉलिंग फर्स्ट आती है तो, ठीक है? याद रखना। इसके अलावा फर्गूसन भी दोस्तों आपको 18वें 19वें ओवर में नज़र आएंगे, राशिद दोस्तों 15वें 16वें ओवर आप इनको देख सकते हो। पावर प्ले की मैं बात करूं, ठीक है? तो मोहम्मद शमी दोस्तों जो कि पावर प्ले में अपना दो वर्क जरूर करेंगे, ठीक है? प्लस फर्गूसन भी एक आधा ओवर करेंगे, और ये दो इम्पॉर्टेंट बॉलर दोस्तों राशिद अपना लौकिक फर्गूसन विकेट टेकर ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है? पावर प्ले के अंदर तो यहाँ से दोस्तों तीनों ही बॉलर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं।
तो ये दोस्तों वो प्लेयर है ना जो आपकी गुजरात की टीम में होने चाहिए, फैंटेसी टीम में। दोस्तों स्क्रीनशॉट रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आगे बात करेंगे असारज की, ठीक है। क्या रहेगी दोस्तों इनके साइड से टॉप पिक्स, अब इनके साइड से दोस्तों है ना, अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन, ठीक है। शर्मा ने दोस्तों लास्ट के गेम में 47 किए थे, ठीक है, बट फिर भी ओवरऑल अगर एक बार इनका देखें, एक गेम को छोड़ के दोस्तों बढ़िया कर रहे दोस्तों। विलियमसन नहीं दोस्तों, 3 गेम्स में तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा इनका, बट दोस्तों कैप्टनसी करेंगे, ठीक है। केन विलियमसन बड़ा नाम है, तो दोस्तों विलियमसन हमारे लिए एक डिफ़ॉल्ट चॉइस के तौर पर रहेंगे। स्मॉल लीग की टीम में बता रहा हूँ, मिनी जीएल में आप रिस्क ले सकते हो, फॉर्म इतनी खास नहीं चली 2-3 गेम्स में। इसके बाद दोस्तों त्रिपाठी की बात करें, लास्ट के गेम में तो केवल 7 रन ही बनाए थे, नॉट आउट पर थे। इसके अलावा लास्ट के गेम में बढ़िया नहीं कर पाया कुछ खास। इससे पहले दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो, तो त्रिपाठी बढ़िया ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, प्लस 1 डाउन पर बैटिंग कराएंगे, सेम जैसे अपना हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो त्रिपाठी दोस्तों सीवीसी के लिए भी एक बढ़िया चॉइस बनते हैं, ठीक है, माइंड में रखना। जीएल में भी ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों एडन मार्कराम, अब दोस्तों इनका अगर स्टैट्स देखना चाहो, लास्ट गेम को छोड़कर बीच बीच में चल रहा है दोस्तों, ठीक है, मिडिल में बैटिंग कराएंगे, माइंड में रखना। तो आप एक काम कर सकते हो, इधर मार्कराम को ड्रॉप करके ना आप यहाँ से निकोलस पुरन, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन तो हमें लेना ही है ना, तो निकोलस पुरन दोस्तों बढ़िया चॉइस बनेंगी, प्लस विकेट कीपिंग कराएंगे, ठीक है, स्मॉली की टीम बता रहा हूँ दोस्तों। अब इसके बाद अगर इनकी बॉलिंग की मैं बताऊँ आपको, तो वहाँ पे दोस्तों भुवी, नटराजन और मान मलिक दोस्तों टॉप पिक रहने वाले हैं, ठीक है। मार्को जेंसन की बात करें ना, अब इनका दोस्तों हालांकि लास्ट के गेम में तो दोस्तों 3 विकेट निकाल के गए थे, तो सारे लोग जेंसन को ही रखेंगे, बट नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, जीएल की टीम में ज़रूर रख लेना, बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ना वो नटराजन भुवनेश्वर का ही है, ठीक है। नटराजन ने भी दोस्तों लास्ट गेम में 3 विकेट निकाले थे, भुवनेश्वर ने एक आधा विकेट निकाला था, ठीक है। वन्नी के अकॉर्डिंग में दोस्तों प्लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊँ तो यहाँ पे दोस्तों ना भुवी, नटराजन ओवर्स पूरे करते नजर आएंगे। पावर प्ले की अगर मैं बात करूँ तो भुवी दोस्तों, नटराजन 2-3 ओवर करते पक्का नजर आएंगे आपको। अगर तो आप अपनी टीम में एडजस्ट कर पाओ तो उरमान मलिक को जरूर रखना यार, बंदा मिडिल में ओवर कराता है, ठीक है। जेनसन को आप दोस्तों जीएल में रखना कैप्टन बना के। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट रखेंगे, ये वो प्लेयर है दोस्तों जिनको आपके अपनी टीम में रखना है। एक दोस्तों मैं भूल गया, उरमान मलिक अब रखेंगे दोस्तों, इसका प्रीव्यू आप देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब दोस्तों टीम सेट करेंगे, राशिद, शमी, फर्गुसन, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल दोस्तों, तो ये बन गई दोस्तों आपकी स्मॉल लीग की टीम सी और बी सी। तो कैप्टन चेंज जैसे मैंने बताया दोस्तों हार्दिक पांड्या, गिल, विलियमसन, थोड़े से रिस्की ऑप्शन जरूर रहेंगे पर आप ट्राई कर सकते हो। मैं जाऊंगा त्रिपाठी के साथ, टीम सेव करेंगे, ठीक है। विलियमसन गिल के साथ भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज आप नटराजन के साथ भी जा सकते हो, है ना, टीम सेव करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद जीएल की क्या टीम रहेगी, तो अब दोस्तों आपको ग्रैंडली की टीम दिखाएंगे,
तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपके सामने है जीएल की टीम, ठीक है, जीएल की टीम नंबर वन। अब इसमें दोस्तों सी और वीसी, अब वो दोस्तों ठीक है, आप यहाँ पे जाओ तो सेफ जाना चाहो तो हार्दिक पांडे को भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट रखेंगे। तो ये दोस्तों जीएल की टीम नंबर वन। इसके अलावा ग्रैंड लीग की टीम टू, वो भी दोस्तों आपको दिखाएंगे। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना दोस्तों फुल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों साहा, अभिषेक शर्मा, विलियमसन, शुभन गिल और डेविड मिलर, इदन मार्क्राम, हार्दिक पांड्या। अब दोस्तों यहाँ से ना नटराजन, अरमान मलिक, राशिद खान दोस्तों, ठीक है। सी और वीसी की बात करें, सबसे अलग दोस्तों साहा, इसके अलावा अपना अरमान मलिक, वीसी। तो ये दोस्तों जीएल की टीम नंबर टू, ठीक है, स्क्रीनशॉट रखेंगे, टीम सेव करेंगे। दोस्तों मैंने दोस्तों आपको तीन टीमें शो की है, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो को एक जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा एंड यहाँ पे ना जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, मैं तीनों टीम से अपने यहाँ पे लगाने वाला हूँ अभी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।